मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, 30 मई की डेडलाइन दी गई है कि 30 मई तक अगर ये हुकूमत नहीं गई तो हम जो है वो इनको खुद भगाएंगे, और खाना जंगी का भी उन्होंने कहा है कि खाना जंगी होगी। देखिए, कोई खाना जंगी नहीं होगी। मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि मुर्दा लाश के ऊपर अपनों को रोने का हक हासिल है, वो हम हक देना चाहते हैं लोगों को जो उनके मैयत के ऊपर खड़े होकर, और अगर 1 करोड़ लोग भी जमा हो जाएं उनके मैयत के ऊपर तो उनको जिंदा नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो हमें कोई खौफ नहीं है, ये सब काम हमारे अपने हाथ के दाएं हाथ के खेल हैं, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। मौलाना मंजर रिज़वी मेरा नाम है। आपसे सवाल ये, कल मुझे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल करना था, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब से करना था, मौका नहीं मिला, तो ये सवाल आप उसी लेवल के आप लीडर हैं, ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। अमरीका मुखालिफ बयानियाँ लेके चल रहे हैं कप्तान जो है, अमरीका मुखालिफ बयानियाँ यहाँ बड़ा मशहूर होता है, गो अमरीका गो की तहरीक भी चली, बाद में पता चला वो चलो अमरीका चलो की तहरीक थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है पीडीएम जो है अमरीका के डबल गेम का शिकार बन रही हो? पता चला है जो अमरीका मुखालिफ बातें कर रहे हैं वो अमरीका के आदमी निकले, एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये कि आपके सदर बनने में क्या रुकावट आ रही है? मेरे सवाल का पहला का किसी का जवाब तो आपने दे दिया है कि एक मैंने कहा ना जी कि एक होता है कॉज, जब हम करेंगे तो काज होगा और जब वो करेंगे तो कार्ड होगा, तो काज और कार्ड में ज़रा फ़र्क समझना चाहिए। और सदर तक जहाँ तक बद का मसला है, एक मनसब है, आईनी मनसब है, अगर किसी दूसरी पार्टी को उसका मुतालबा करने का हक है, मेरी पार्टी ने भी अगर अभी तक तो किया नहीं है, आपकी मीडिया में खबरें सुन रही हैं, किसी ने इनफराज तौर पर कोई बात कह दी, ऐसी किसी फोरम पर तयशुदा बात नहीं है इस वक्त तक, वो जो तय होगी तो फिर उसके बाद हम कह सकेंगे कि हाँ। लेकिन इस वक्त तक तो अगर आप समझते हैं कि रुकावट कौन है तो बैठा हुआ रुकावट है। अच्छा मौलाना साहब।